हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों सनी देओल और शाहरुख खान पहली और आखिरी बार एक साथ फिल्म डर में नजर आए। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि डर फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी देओल और शाहरुख खान के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण शाहरुख खान और सनी देओल ने कभी एक साथ काम नहीं किया, यहाँ तक कि कभी एक दूसरे से बात तक भी नहीं की। दोस्तों, डर फिल्म साल 1993 में रिलीज हुई और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म में सनी देओल हीरो थे, लेकिन सारी लाइमलाइट शाहरुख खान को मिली थी। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने जब डर फिल्म बनाने की घोषणा की तो उन्होंने इस फिल्म में रोल के लिए सनी देओल और शाहरुख खान को चुना। सनी देओल को यह छूट भी दी कि वह हीरो और विलेन दोनों में से कोई भी रोल चुन सकते हैं। दोस्तों, सनी देओल ने भी बिना सोचे समझे हीरो का रोल चुन लिया और शाहरुख खान को मिला विलेन का किरदार। दोस्तों, जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग होती गई, वैसे वैसे सनी देओल को लगा कि उनके साथ अनदेखी हो रही है। फिल्म में उनका हीरो का किरदार है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म में शाहरुख खान के विलेन के किरदार को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। सनी देओल इस बात से डायरेक्टर यश चोपड़ा से खफा चल रहे थे। फिल्म के हीरो होते हुए भी उनके किरदार से ज्यादा अहमियत शाहरुख खान के विलन के किरदार को दी जा रही है। सनी देओल का मानना था कि यह फिल्म विलन के किरदार को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो कि यश चोपड़ा ने पहले उन्हें फिल्म साइन करते समय नहीं बताई थी, या फिर यश चोपड़ा ने उन्हें जो फिल्म की कहानी सुनाई थी वह हीरो के कैरेक्टर को ध्यान में रखकर सुनाई गई। लेकिन यहां शूटिंग पर उल्टा हो रहा था। इन बातों को लेकर सनी देओल ने कई बार यश चोपड़ा से बात की, लेकिन यश चोपड़ा उनकी बातों को घुमा देते थे। वहीं सनी देओल अपने से बड़ों की, यानी कि अपने से सीनियर्स की बड़ी इज्जत करते थे, इसलिए वह यश चोपड़ा से ज्यादा कुछ नहीं कह पाते थे और अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी जाते थे। यह बात सनी देओल को अंदर से खाई जा रही थी, इसलिए वह फिल्म के सेट पर ना तो किसी से ज्यादा बात करते थे और ना ही किसी से ज्यादा मिलते थे। फिल्म की पूरी टीम को सनी देओल की नाराजगी साफ साफ दिख रही थी। वही फिल्म की शूटिंग पूरी ही होने वाली थी कि यश चोपड़ा फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे। उस क्लाइमैक्स में शाहरुख खान सनी देओल को सामने से चाकू मार देता है। सनी देओल को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने क्लाइमैक्स शूट करने के दौरान ही यश चोपड़ा से बात की कि यह कैसे हो सकता है, मैं फिल्म में कमांडो का रोल कर रहा हूँ तो यह मुझे सामने से चाकू कैसे मार सकता है, मतलब कि यह चाकू मार सकता है अगर मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ और यह सामने से चाकू मार देगा तो मैं कहाँ का कमांडो हुआ। लेकिन यश चोपड़ा समझने को तैयार ही नहीं थे। तो कई दिनों से चली आ रही नाराजगी और यश चोपड़ा उनकी इस बात को नहीं मान रहे थे तो सनी देओल बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि सनी देओल बुजुर्ग व्यक्ति और अपने से सीनियर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वह यश चोपड़ा को चाहकर भी कुछ नहीं कह पाए और गुस्से में अपनी जींस की पैंट की जेब में अपने हाथ डाल लिए। सनी देओल को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह उनके साथ क्या हो रहा है। उनको खुद भी नहीं मालूम पड़ा कि कब उनका गुस्सा इतना बढ़ गया, उन्होंने गुस्से से पैंट में ही अपने हाथ की मुट्ठी बीच ली और गुस्से से अपने हाथों को जोर से झटका मार दिया, जिससे उनकी जींस की पैंट आगे से पूरी तरह फट गई। सनी देओल को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर कि उन्होंने जींस की पैंट को ही अपने हाथों से फाड़ दिया। इसके बाद फिल्म की पूरी टीम डर गई और सभी इधर उधर भाग गए, यहाँ तक कि यश चोपड़ा और शाहरुख खान भी उस समय वहां से चले गए। इसके बाद सनी देओल ने यश चोपड़ा और शाहरुख खान के साथ कभी काम न करने की ठान ली और सनी देओल ने इस फिल्म के बाद शाहरुख खान और यश चोपड़ा के साथ कभी काम नहीं किया और ना ही कभी पब्लिकली शाहरुख खान के साथ नजर आए। खबरों में तो यह भी दावा किया जाता है कि इस घटना के बाद सनी देओल ने शाहरुख खान से 16 साल तक बात नहीं की थी। वहीं सनी देओल का इस मामले में कहना था कि हाँ, यह सच है कि मैं उनसे कभी मिला नहीं क्योंकि मुझे कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे भी मैं लोगों से कम ही घुलता मिलता हूँ और जिन लोगों पर मुझे विश्वास नहीं होता कि यह आदमी भरोसे के लायक नहीं है, मैं खुद ही अपने आप को उनसे अलग कर देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल अमन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।